हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीवी दीप। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आपको बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस चैनल पे। गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ केबेज की सब्जी, मतलब केबेज की सब्जी भी, और उसी में थोड़ा सा डिफरेंट करते हुए उसको पास्ता का नाम देते हैं, ठीक है। वैसे ये एक्चुअल में केबेज की सब्जी है। बच्चे हैं कि केबेज खाने में बहुत ही निक निक करते हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा गुण होते हैं केबेज में, और बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए, और ग्रोथ वाले बच्चों को तो बिल्कुल। तो गाइस, आज मैं इसी को थोड़ा अलग लुक देते हुए, अलग नाम देते हुए कह दो कि पास्ता मैं बना रही हूँ। बट ये है जो ऐसा ये केबेज की सब्जी है, तो एक नए तरीके से मैं आपको केबेज की सब्जी बता रही हूँ। बिल्कुल ही कह दो कि चाइनीज़ डिश है, एंड ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है गाइस, एंड हेल्दी तो है ही, प्लस में खाने में भी बहुत टेस्टी, बहुत ऑसम वाली टेस्ट आती है। आप इस तरह से बना करके देखना गाइस। एक्चुअली मैं डेली ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बट मैं एक रेसिपी सोचती हूँ कि रोज़ शेयर करूँ, क्योंकि हम जो है ना खाने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, तरह तरह की चीज़ें बनाना। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है तरह तरह की चीज़ों को खाना। तो होता है ना कि अगर इंटरेस्टेड हो तो खाने में मज़ा भी आता है बनाने में, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास तो ये सब्जियाँ हैं, ये इससे हम क्या करें, क्या बनाएं, कुछ समझ नहीं आता है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। बातें तो होती रहेंगी, प्लस में मैं आपसे एक डिश भी शेयर कर लिया करूँगी। आप यहाँ पे देखो, टोमेटो को कट करके भी डाल सकते हो, एंड आप उसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हो। तो मैं तो कट कर रही थी, फिर मुझे लगा कि नहीं, इसमें ग्राइंड कर दूँगी तो ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। आप दोनों कर सकते हो, वो आपकी। और यहाँ पर मैं पानी गर्म करने रखती हैं, क्योंकि मैं इसको पास्ता का लुक देने वाली हूँ। तो थोड़ी सी 2-4-5-10 इसमें पास्ता दूंगे, तो उसको मैं बॉईल करने के लिए यहाँ पे रख दिया है। तो ये जब तक बॉईल होता है, मैंने उधर सब्जियाँ भी कर ली है, और इधर तब तक मैं इसकी सब्जियों को बना लूँगी, मीन्स केबेज की सब्जी बना लूँगी। एंड बच्चे भी बहुत चाव से खाएंगे, उन्हें तो लगेगा कि वो पास्ता खा रहे हैं, बट एक्चुअल में आप कर क्या रहे हो, आप केबेज की सब्जी दे रहे हो अपने बच्चे को। तो यहाँ पे हम मस्टर्ड ऑयल गर्म कर लेंगे, जो कि हेल्दी भी होती है और टेस्टी तो लगती है। और यहाँ पे मैं देखो ग्रीन चिली कट कर रही हूँ, ये मैं हैंड से नहीं कट करती हूँ, ये कैंची से कट करती हूँ। इससे क्या होता है कि हाथ में लगता नहीं है। आप कोई भी काम करो, आपका छोटी छोटे बेबी है तो उसे भी आपको पैम्पर करना, बीच बीच में पकड़ने होते हैं, तो आप इससे सीजर से कट करोगे ना तो बहुत ही बेटर रहेगा। एंड यहाँ पे मैंने ऑनियंस डाली, एक ऑनियन मैंने कट करके रखा था, जो कि मैं इसको लाइट फ्राई कर लूँगी, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। और यहाँ पे मैं हाई फ्लेम पे पका रही हूँ। याद रखिए गाइस, कोई भी चाइनीज़ डिश हो, या नूडल्स हो, या पास्ता हो, या कुछ भी हो, चाइनीज़ अगर है तो उसको थोड़ी सी हाई फ्लेम पे बनानी पड़ती है, ताकि उसमें टेस्ट जो है ना वो अलग आए, है ना। और इसको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसको लाइटली फ्राई करेंगे ऑनियन को। एंड गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड शेयर करना ना भूलना गाइस, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो। यहाँ पे मैं केबेज को धो करके रखी हुई हूँ, और ये पानी के साथ ही था, और मैं छन्नी में नहीं डाली थी, मैंने ऐसे ही डाल दिया। और इसको थोड़ा सा इसको सोटे कर लेंगे। तो गाइस, जब तक सोटे करेंगे ना, तब तक हमें क्या है ना कि अभी थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, अगर आप डालते हो तो। नमक डालने से क्या होता है कि थोड़े से वो पक जाते हैं जल्दी, तो आप अभी नमक डाल दो, वो जल्दी पक जाएंगे। बहुत ही फास्ट रेसिपी है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बनाए, आपके यहाँ पत्ता गोभी पड़ा हुआ है बट कोई खाना नहीं चाहता, तो ये लुक देख करके आप देखो, बहुत ही टेस्टी लगती है गाइस, और एकदम इसकी टेस्ट ही चेंज हो जाती है। इसकी मसाले मैं बता रही हूँ, इसमें मैंने नमक डाला, और ये थोड़ी सी चिली डाली हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे के लिए बना रही हूँ। एंड ये मैं
थोड़ा सा टर्मरिक डालेंगी आधी चम्मच, एंड चिली है वो आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से सोटे कर लूँगी, थोड़ा सा मसाला भी पकना ज़रूरी है, जो हल्दी होती है ना उसकी टेस्ट जाती नहीं है जब तक कि आप उसे अच्छे से पका ना लो। गाइस यहाँ पे मैं पका ले रही हूँ, बहुत काम पड़ा है गाइस, घर को पूरा अरेंज करना है, पेंटिंग तो हो गई है बट साथ में मुझे अरेंजमेंट भी करनी है ना, छोटी बेटी है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये मैं अपने हस्बैंड और अपनी बच्ची दोनों के लिए बना रही हूँ। मेरी बेटी तो 1.5 साल की है बट उसे ये सब थोड़े बहुत देती हूँ, है ना, और वैसे भी ये केबेज है, सब्जी है तो मैं दे सकती हूँ। यहाँ पे ट्विस्ट वाली बात ये है, आप कैसे चेंज करोगे टेस्ट को, तो मैं यहाँ पे सेजवान चटनी ली हूँ, चिंग्स की है, जो कि बहुत ही टेस्टी एंड अलग टेस्ट लाती है गाइस। मैं 1 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर ये बड़े के लिए बना रहे हो तो थोड़ी सी, क्योंकि ये स्पाइसी होती है, थोड़ी तीखी होती है, इसीलिए मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी तीखी नहीं खा पाएगी ना इसीलिए। एंड मैं इस पर टोमेटो प्यूरी डाल रही हूँ, जो मैंने टोमेटो कट कर रही थी उसे मैंने ग्राइंड कर लिया मिक्सर में। तो इसे अच्छे से ग्राइंड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं, आप कट करके भी डाल सकते हो। ये देखो देसी चाइनीज़ का कॉम्बो पैक, बहुत ही अच्छी वाली इसमें मसाले होते हैं, 5 तरह के मसाले होते हैं। यहाँ मैं सेजवान वाली मसाला डाल रही हूँ, सेजवान फॉर फ्राइड राइस, इसमें पास्ता के लिए नहीं होता है बट आप फ्राइड राइस वाली भी डालोगे ना, बहुत ऑप्शन टेस्ट आती है, एकदम अलग टेस्ट देख करके देखो। गाइस आप इसको ऐड कर लो और लास्ट में थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड कर लो। अब देखो इसकी टेस्ट एकदम चेंज हो गई। आपने कैप्सिकम की सब्ज़ी बनाई है ना, बट ये कैप्सिकम नहीं है, ये चाइनीज़ डिश है, ठीक है। और इसमें आप जो 2-4-5 जो पास्ता को बॉईल कर रखे थे उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। गाइस अब आप इसे खा के देखो, इसकी जायका देखो, थोड़ी देर इसे पकने देना, एंड देन डन, बन चुका है ये आपका पास्ता। वापस से सर्व करो सर्विंग प्लेट पे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी एंड हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलना गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू बाय बाय।